जो कि इससे पहले एक पीएम मॉल था, लेकिन उससे भी बड़ा ये मॉल है। इसका एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे एक दिन, सारा कंटेंट एक दिन ख़त्म कर देंगे तो अच्छा नहीं है। डालेंगे अभी तो स्टार्टिंग है बॉस, अभी तो बहुत कुछ है। शाम के वक्त यहाँ पे इतना सारा भीड़ होता है कि आप यहाँ पे पैर रखना मुश्किल है भाई। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही प्यारे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम एक रूम में हैं, तो ये एक रूम हम शिफ्ट कर रहे हैं पटना में, और नया रूम लिए हैं। तो ये फाइनल कल ही हो चुका था ये रूम, और आज शिफ्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रोसेस जो होता है शिफ्ट करने का वो शुरू कर दिए। तो जैसा कि अभी चौकी और ये बेड सब अभी शिफ्ट करना शुरू किए हैं अभी जस्ट। तो अभी सुशांत को बोले हैं कि थोड़ा सा धूप अगरबत्ती जला लेने के लिए। तो ये है मेरा रूम, छोटा सा है, क्यूट सा है, बट बढ़िया है। और इधर कुछ सामान रखने के लिए है, और ये रूम है और एक चौकी है। सो अभी सब बाहर से दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे एक खिड़की है रहने के लिए, और ये एंट्रेंस है जो कि हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं, आ सकते हैं। मेरा रास्ता है ये, नीचे रास्ता है आने जाने का, और ये बाहर का रास्ता है। तो अच्छा है, छोटा सा काम करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि मेन होता है क्या कि रात में हम लोग काम करके आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है आने जाने में, तो इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं इसमें। तो अभी धीरे धीरे इसमें सारा प्रोसेस और रूम को बढ़िया से डेकोरेट करेंगे कुछ दिन में। तो अभी फ़िलहाल तो अभी आज रूम को थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं रूम में, क्योंकि अच्छा लगे। और जहाँ भी आप कहीं भी घर पे नए घर शिफ्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा तो उसके लिए पूजा पाठ तो ज़रूरी है। तो पूजा पाठ हो चुका है। सो गाइस, तो अभी साफ़ सुथरा चल रहा है। ये हैं सोनू जी, पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सुशांत का घर है यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल रूम शिफ्ट किए हैं, उसके लिए कुछ सामान वगैरह भी लेना है, तो इसलिए जा रहे हैं मार्केट। तो चलते हैं। पटना का नामी एरिया बोरिंग रोड, आप जिधर घुसते ही मतलब इसका अलग ही मतलब रुतबा है भाई साहब, हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग। चलना तब एक बार थोड़ी पटना का सबसे महंगा जगह, यानी कि पटना का सबसे महंगा जगह बोरिंग रोड चौड़ा। हाँ तो गाइज, आपको हम पटना का सबसे बड़ा मॉल दिखाने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले एक पीएम मॉल था, लेकिन उससे भी बड़ा ये मॉल है। इसका एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे एक दिन, सारा कंटेंट एक दिन ख़त्म कर देंगे तो अच्छा नहीं है। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा तरीका से बनाया, और बहुत ही बड़ा। इसमें हर तरह का आपको 3D मल्टीप्लेक्स सिनेमा ऑल दुनिया जहाँ हर चीज़ मिल जाएगा हर तरफ से। तो इसका ब्लॉग तो बनता है भाई, तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसके अंदर लेके जाके आपको घुमाएँगे हम। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं पटना का गोलघर, जो तो ऐसा कोई नहीं है बिहारवासी जो कि पटना के गोलघर के बारे में नहीं जानता हो। ये हाथी महाराज, गज महाराज, ऊँट भी है साथ में भाई साहब। तो ये है भाई साहब आपका पटना का धरोहर गोलघर। इस सब का एक अलग अलग स्पेशल हम ब्लॉग डालेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है बॉस, अभी तो बहुत कुछ है। हाँ, अभी सिर्फ आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि पटना का टॉप जो जो भी है घूमने के लिए वो चीज़ है। और आगे ये चल रहा है मेट्रो का काम, इधर मेट्रो का काम अभी चालू है, कुछ दिन में मेट्रो भी पटना में चालू हो जाएगा कुछ दिन में, तो बहुत अच्छा होगा, मज़ा आएगा।
भाई साहब ये है पटना का नंबर वन मार्केट हथुआ मार्केट। तो अभी यहाँ से कुछ सामान लेना है तो बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है अभी यहाँ पे। और कुछ सामान लिए हैं तो पहले सामान सारा पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाएंगे आपको क्या क्या लिए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़, हर तरफ भीड़ है। तो अभी जस्ट पहुंच चुके हैं अपने रूम पे और क्या क्या शॉपिंग आज किए हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिए अपने रूम के लिए, तो दिखाते हैं आपको क्या क्या किए हैं और उसके बाद फिर इसको एडजस्ट करेंगे सामान को सारा सबको। तो सब जो कि डेली हम सामान यूज करने के रूप में ये सब सामान लिए हुए हैं, आईना है, जग है, वो ब्रश रखने वाला है, चाय छन्नी है और नीचे वो मसाला के लिए लिए हुए हैं, नीचे बाल्टी और ये सब है नीचे बाल्टी डेली यूज ना करने के लिए, नहाने के लिए डस्टबिन, वो सब कचरा उठाने के लिए। और दो चीज़ और लिए हुए हैं और ये चीज़ ये है आपका पैर और पोछने के लिए लिए हुए हैं अपने भगवान जी बाबा बजरंगबली, और साथ में इसमें ही पूरा हनुमान चालीसा है इसलिए बेस्ट लगा हमको। और एक ये सफ़ेद 7 घोड़ा और इधर बाबा भोलेनाथ, तो ज़रूरी है सब। तो अब इसको पहले सबसे पहले सबको दीवार पे चिपकाते हैं और थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं रूम को। मेरा रूम डेकोर हो चुका है तो छोटा छोटा ही सही, धीरे धीरे होगा, अभी तो नया है। तो इधर प्यारा सा बेड लगा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा रूम। ओके गाइस, तो आज पूरा दिन लग गया था रूम को शिफ्ट करने में और सामान को एडजस्ट करने में। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।